राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से ये सब काम कर रहे हैं। और जब से अपना ये लॉकडाउन हुआ है 24 तारीख से, तब से हम लोग कंटिन्यू गौ माता के लिए तरबूज और पत्ता गोभी और अन्य अन्य प्रकार का खाद्य, साथ में अपने जैसे पक्षियों के लिए दाना और कुत्ते वगैरह अन्य अन्य प्राणियों के लिए हम लोग उनके भी भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ में जो भी यानी गांव में इस प्रकार का हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं कुछ भूखे हैं, उनके लिए बना हुआ खाना एवं सूखा आहार भी दे रहे हैं। और इस महामारी में निपटने के लिए हम अपना पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं और सबसे निवेदन कर रहे हैं कि घर में रहें, और कुछ अगर असुविधा हो तो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को सूचित करें, हम उनकी सारी सुविधा करेंगे। और पिछले यानी 25 दिन से हम इस कार्य में पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं, वो भी हम कुछ लोगों को दिए हैं। अभी भी अगर हमारे पास कहीं से सूचना आ रही है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं या कुछ परिवार ऐसे फंसे हुए हैं जो कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे आहार केंद्र तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनके घर में भी हम चावल दाल आलू प्याज थोड़ा मसाला इस प्रकार का पैकेट बनाकर उनके घर तक भी पहुँचा रहे हैं।